नमस्कार सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमने अभी बनाई है कंडली, और कंडली के साथ है उसमें झंगोरा डालते हैं और दाल वगैरह मिक्स करके, तो उसको कंडली का खिचड़ी बोलते हैं ना। तो आज हमने बनाई है, और उसके विधि कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए। वो पीछे गए, चलो फिर मैं बोल रहा हूँ। अभी ये देखो, हमने झंगोरा जो हमारा पुराने जमाने से काफी दिन का पुराना है, तो ये आज हम बना रहे हैं झंगोरा। और झंगोरा किसमें डालेंगे हम? कंडाली। कंडाली हमने बॉईल कर दी है। और ये झंगोरा अभी किसमें पीसा था? इसको मिक्सी में पीसा था। आपको मिक्सी में मैंने अभी दिखाया ना पहले, ऐसे पीस कर फिर अभी ये छीट रहे हैं इसको सूपे में, है ना। ये भाभी जी हमारी है ना, ये अभी छीट दिया इन्होंने, हो गए झंगोरा तैयार। अभी ये झंगोरा देखो, दिख रहा है ना झंगोरा, अभी हो रहा तैयार। और ये है ओरिजिनल झंगोरा जिसको हम मिक्स में पीस रहे हैं, ये देखो ये झंगोरा। हाँ, अब ये समर रहे क्योंकि बीया रह जाते हैं ना, वो मुंह में आते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए, अच्छा ये ओके। और उसके बाद जो कंडा जी हमने पहले लाए थे ना, वो यहाँ पे बॉइल कर दिए हैं। ये देखो, ये कंडली बॉइल हो रखी है यहाँ पे। अभी इसको बनाएंगे हम खिचड़ी टाइप, कंडा जी की खिचड़ी बनेगी है। जब बनाएंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बनाएंगे कंडली झंगोरा, क्योंकि हमारी शिवरात्रि नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हमारी तो ये तो उसमें जाता है कंडली। अभी फिर जैसे पकेगा और पकने के बाद जब तैयार हो जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ आपको ना झंगोरा। अभी ये कंडली की खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बोलते ना इसको, क्या बोलते हैं? ये देखो, ये कंडली, और इसमें झंगोरा मिला दिया है, मिर्च मसाले दे दिए, डाल दिए हैं, दाल वगैरह भी थोड़ा मिक्स कर दिए शायद। अभी जब पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ ना कैसे बनता है। फिर ये देखिए बढ़िया से बन रहा है, दिख तो रहा है, टेस्टी लग रहा है। चलो बढ़िया, ये जैसे ऐसे पीस है, कूट रहा है इसको झंगोरे को मशीन में। चलो बढ़िया, और ये छीट दिए है ना संग्रो, कैसे छीट रहे हैं ये सज्जन। अभी खिचड़ी तैयार हो गई हमारी, कंडली वाली खिचड़ी ना इस टाइप होती है। थोड़ा प्याज व्याज भी काट दे हमने ना, ये बढ़िया से हो गया यार। ये मतलब खाना बहुत ही अच्छा सा हो गया आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ना। अब ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।